गणेश जी को नमन करके, मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में मैं साईं कथा में साईं बाबा के धुनी प्रज्वलन का और उदी देने के बारे में बताऊंगी। जब से बाबा मस्जिद में जाके रहने लगे और उन्होंने तय किया कि मैं यहाँ पे रहूंगा, तो उस वक्त एक दिन उन्होंने अपना ये सटका जमीन पे पटका 2-3 बार और वहां पे अग्नि प्रज्वलित हुआ। अपने आप अग्नि प्रज्वलित हुआ, वो थोड़ी देर ऐसे ही रहा, लेकिन फिर हम सबको पता है कि अग्नि को जलने के लिए कोई ईंधन चाहिए होता है। तो बाबा ने आसपास की जो सूखी लकड़ी थी वो लाके उस अग्नि के पास रख दी और उन्होंने धुनी शुरू कर दी। साई सच्चरित्र में जैसे लिखा है, उस वजह से जब बाबा ने पहली बार धुनी के जगह पे अपना चिमटा पटका था, तो उस वक्त वहां पे कोई भी लकड़ी या कोई भी ईंधन वहां पे नहीं था। वो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हुआ और रहा थोड़ी देर, तो उसको बुझने से पहले ही बाबा ने उसमें लकड़ी डाली। ये थी सबसे पहली बार बाबा ने धुनी प्रज्वलित की, वो किस्सा। धीरे धीरे ये तो सब लोगों ने देखा था, सब लोग अचंभित भी हो गए। जिस इंसान ने पहले ये देखा था उसने भी बहुत लोगों को बताया कि ये ऐसे भी पहले एक वाकया हुआ था और बाबा ने उस वक्त भी ऐसे ही धुनी प्रज्वलित की थी। बाद में जब लोग बाबा से मिलने आते थे तो कुछ लोग अपने साथ लकड़ी लेके आते थे, सूखी लकड़ी धुनी में डालने के लिए, और उनको उनके ये करने से बाबा बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे ये बहुत पहले वाली बात है, जब नए नए थे बाबा द्वारका माई में। उस वक्त वो मस्जिद थी जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था और वो ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई मालक नहीं था, किसी की ओनरशिप नहीं थी। वो जगह बाबा ने अपने निवास के लिए चुनी। वो बहुत ही टूटी फूटी हुई जगह थी। वहां पे अच्छे से बैठने के लिए ना तो दीवार थी ना तो कोई जमीन थी, लेकिन फिर भी बाबा वहां पे रहने उन्होंने शुरू किया, धुनी प्रज्वलित की। फिर एक एक करके लोग आते गए, धुनी में लकड़ी डालते गए। जब कोई दर्शन के लिए आता तो 2-4 लकड़ी लेके आता। करते 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 बहुत ऐसा धुनी के लकड़ियों का बहुत सी लकड़ी जमा होने लगी, तो फिर बाबा ने खुद जाके ढूंढ के लकड़ी लाना बंद कर दिया। कभी कभी बहुत बारिश होती थी तो बारिश होने से पहले बाबा एक बैलगाड़ी, वहां उस वक्त बैलगाड़ी से सामान आता जाता रहता था, जो से वो उस टाइम में बैलगाड़ी से या टांगे से वो सामान आता था। तो बाबा एक पूरी बैलगाड़ी या पूरा टांगा खरीदते थे, जो दक्षिणा उनको मिलती थी उस पैसे से वो हिसाब रखते थे और वो लकड़ी वो खरीदते थे और अच्छे से रखते थे। वो उनका प्रयत्न यही था कि कुछ भी हो जाए ये धुनी बंद ना हो। धुनी में जैसे जैसे लकड़ी जलती थी वो कोयला गिरता था, फिर उसकी राख होती थी। तो वो बाबा जब भी बैठते थे तो अपने हाथों से वो रक्षा हटाते थे और एक साइड कर देते थे। वो रक्षा वहीं पे पड़ी होती थी। जब भी कोई बाबा से मिलने आता था तो बाबा उसको उसमें से थोड़ी सी रक्षा विभूति उदी देते थे। और जो हाथ बाबा का था, ये किस्सा मुझे बहुत पसंद है, जो बाबा का हाथ था वो उससे भरा हुआ होता था, तो वो उसके उसमें झोली में भी डालते थे या उसके हाथ में भी देते थे, और अपना वैसा ही उदी से भरा हुआ हाथ बाबा उस इंसान के सर पे रखते थे। मुझे ये बहुत पसंद है बात। मुझे ऐसे लगता है कि कितने भाग्यशाली लोग हैं वो जिनके सिर पे उदी से भरा हुआ बाबा का हाथ पड़ा होगा। जब से बाबा ने धुनी शुरू की है तब से आज तक वो कभी बंद नहीं हुई। बाबा थे तो धुनी का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन बाबा मस्जिद में सोते थे और एक दिन बाबा जैसे लोग उनको चावड़ी लेके जाते थे, ये वहीं पे है स्थान, तो एक दिन बाबा चावड़ी में रहते थे। तो जब भी बाबा चावड़ी के निकलते थे, रात भर वहां पे वो सोते थे, तो उस वक्त वो रात भर नहीं होते थे, फिर भी बाबा वो थोड़े उसके लकड़ी हटा देते थे, लेकिन वो धुनी कभी बंद नहीं होती थी। जब बाबा दूसरे दिन सुबह द्वारका माई में आते थे तो सबसे पहले वो धुनी को
धुनी में फिर से लकड़ी डाल देते थे, अग्नि तभी भी चालू रहता ही था। वो धुनी आज तक कभी बंद नहीं हुई। फिर बाबा के देहांत के बाद लोगों ने उसको बहुत संभाला, इस धुनी को। आज तो हम देखते हैं कि शिरडी में शिरडी संस्थान के लोगों ने इसके लिए बहुत अच्छी जगह रखी है और ये धुनी प्रज्वलन हमेशा होता रहता है। शिरडी में भी हम आज भी जब भी जाते हैं तो हमें पैकेट के जरिए ये उदी प्रसाद मिलती है।